अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन हज़रात, आज की इस वीडियो में आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी के बारे में बताने वाला हूँ। असदुद्दीन अवैसी को कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया असदुद्दीन अवैसी को जानती है। नाज़रीन हज़रात, असदुद्दीन अवैसी हिंदुस्तान की एक आवाज़ बनकर आज पूरी दुनिया में बिखर रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी जो सच की आवाज़ उठाने वाले का नाम है। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी के बारे में हमारे काफ़ी सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सुन्नी है ये या देवबंदी है या वहाबी है, कौन से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो नाज़रीन हज़रात, असदुद्दीन अवैसी एक बहुत बड़े आलिम होने के साथ साथ देश के स्कॉलर में से भी माने जाते हैं। असदुद्दीन अवैसी एक बहुत ही बड़े नेता भी हैं और वो हमेशा हक की आवाज़ उठाते हैं। तो नाज़रीन हज़रात, असदुद्दीन अवैसी के आप बहुत सारे ऐसे स्पीच को सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे बयान को सुने होंगे जिसमें असदुद्दीन अवैसी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम मुबारक अपने जिस मुँह से लेते हैं। तो नाज़रीन हज़रात, जिसके दिल में जिसके लिए मोहब्बत होता है वो लाख छिपाए ज़ुबान पर उसका नाम आ ही जाता है। असदुद्दीन अवैसी मसलक के आला हज़रत के बारे में बहुत सारे ऐसी बातें बोले हैं और बहुत सारे आला हज़रत के शेर भी बोले हैं जिससे साफ साफ जाहिर होता है असदुद्दीन अवैसी मसलक के आला हज़रत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आप भी अवैसी को पसंद करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम।